मिलॉर्ड, अब मैं आपके सामने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश करने जा रहा हूं जिससे ये केस पानी की तरह से साफ हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि तुकाराम का ये दावा दरअसल एक साजिश है, जाल साजी है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि एएसआई के ऑफिसर श्री ए पी श्रीवास्तव को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। मिलॉर्ड, इनकी पारखी नजर तुकाराम के ड्रामे का पर्दाफाश कर देगी। ये वही ए पी श्रीवास्तव हैं जिनको माननीय अदालत ने दस्तावेजों की सच्चाई का पता लगाने का हुक्म दिया था। हाँ तो श्रीवास्तव जी, आप अदालत को बताइए कि इस आदमी ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, जो भी सबूत अदालत के सामने रखे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? वकील साहब, हमारी पूरी टीम ने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच बहुत बारीकी से की है। मेरा तजुर्बा कहता है ये सब असली है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? देखिए श्रीवास्तव जी, आप ये बात किसी दबाव में आकर तो नहीं कह रहे? वकील साहब, अब कौन दबाएगा मुझे? मेरी उम्र भी नहीं रही है और फिर मेरे पास दबाने को बचा क्या है? लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स एकदम असली हैं? मिलॉर्ड, पूरी जांच रिपोर्ट इसी फाइल में। मिस्टर श्रीवास्तव, आप जा सकते हैं। इसके पहले कि अदालत कोई फैसला सुनाए, आप लोग इस केस के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं? साहब, मेरा सबूत असली है, इसका रिपोर्ट आपका सामने है। आप फैसला पास कर दो ना, मैं जाके अपना जमीन ले लेते हैं। तुकाराम, अभी फैसला नहीं हुआ है। अदालत ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पढ़ेगी, मशवरा करेगी, उसके बाद फैसला होगा। ठीक है साहब, मैं आपका बात मानता है। आप कभी गलत नहीं बोलेगा साहब, मेरे खाली एक ही बात बोलने का है। मैं मानता है कि अभी वो ताजमहल का जो जमीन है वो पूरी तरह से मेरा हुआ नहीं है। मैं मानता है अभी उस पर केस चलता है, फैसला सुनाने का बाकी है। तो कायदे से अभी वो जमीन पूरी तरह से सरकार का भी नहीं है साहब। तो जब ही तलक ये केस का पूरी तरह से फैसला नहीं हो जाता है, तभी तलक ताजमहल बंद रखने का ऐसा मैं विनंती करता है। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, ये इंसान ताजमहल पर स्टे मांग रहा है। मांगता है साहब, मांगता है। वो जो स्टे है वो मैं मांगता है। काहे को मालूम है साहब, अगर ऐसा नहीं किया ना तो ये सरकारी वकील, इनका सरकार अगले 5-10 साल तक मेरे को ऐसा ही गोल 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 घुमाता रहेगा और इस केस का कभी फैसला होगा ही नहीं। मैं गरीब आदमी है साहब, हमारे लिए आप ही सब कुछ है। आपका फैसला भगवान का फैसला है। आज अगर आपने हमारे साथ नाइंसाफी किया ना साहब, तो ये भगवान पे से, अच्छाई पे से, कानून पे से विश्वास ही उड़ जाएगा हमारा। बस मैं इतना ही बोलता है साहब। मिलॉर्ड, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि कोई भी फैसला करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि ताजमहल हमारे देश की धरोहर है। मिलॉर्ड, बस मुझे इतना ही कहना है। ताजमहल हमारे देश की शान, ये सारी दुनिया को पता है। मगर तुकाराम ने जो सबूत पेश किए हैं उन्हें अगर आधार माना जाए तो ऐसा लगता है कि ताजमहल की जमीन तुकाराम के खानदान की है। किसी की जमीन जबरदस्ती छीन लेना एक जुर्म है, इसलिए अदालत की यह राय है कि सरकार, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और जो भी डिपार्टमेंट इस केस से संबंधित हैं, तुकाराम राव साहब मराठे के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें, वरना 15 दिनों के बाद अदालत अपना फैसला सुना देगी। इन द मीन टाइम, तुकाराम की विनती पर गौर करते हुए अदालत ताजमहल को बंद करने के लिए स्टे ऑर्डर इशू कर रही है।
जब तक किसी के भी हक में इस बात का फैसला नहीं हो जाता, ताजमहल टूरिस्ट के लिए बंद रहेगा।